It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy combat is the most competitive, gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this fuel your inner fire for the ultimate gate challenge an academy combat register now उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बढ़िया हो गए खुश हो गए और जबरदस्त हो गए सो माई डियर फ्रेंड वी आर स्टडी जियोटेक्निकल टू पॉइंट गेट एंड ये इन दाइट बैच एंड माई डियर फ्रेंड जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि समय दिन पर दिन कम होते जा रहा है तो अपने एफर्ट को हमको बढ़ाना पड़ेगा डे बाई डे राइट सो बी रेडी फॉर द क्रैश एंड ऑल द थिंग टू बी वेरी सुन और मेरे दोस्तों ये जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं डिटेल्ड वे में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है राइट अगर आपको गेट में स्कोर लाना है बढ़िया नंबर लाना है तो इस सब्जेक्ट को बेस्ट बनाना ही पड़ेगा तो उसके लिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूं कि आपको वो चीज कर पाऊं एंड आई होप दैट इट विल बी डन

इमोशन जो आपको चाहे वो कॉम्बैक्ट स्पेशल क्लास है या प्लस का सब्सक्रिप्शन हो राइट सो माइ डियर फ्रेंड डू डाउनलोड और मेरे दोस्त जरूर आप फॉलो करो मुझे ऑन दिन सो डैट एनी लेक्स गोइंग टू कम ऑन दिन इन द्लसफाई हो जाओ और मेरे दोस्त ऑन द स्पेशल वॉट आर द एडवांटेज ऑफ स्पेशल देखो सबसे पहला बात फ्री क्लासेज है

जहां पे विवेक सर शुरू कर रहे होंगे आरसीसी और मैं शुरू कर रहा हूं सर्वे राइट सो दैट इज बी स्टार्टेड और व्हाई टू ज्वाइन मेरा गाइडेंस और मिलेगा। दूसरी बात प्लस अगर आप ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लासेस आपको मिल रहे होते हैं क्रैश कोर्सेज आपको मिल रहे होते हैं बिफोर एग्जाम you हर सातवें दिन आपका टेस्ट हो रहा होगा बोथ इंग्लिश एंड हिंदी डाउट तो आता है तो डाउट आप पूछ सकते हो of of clearing, तो वो भी आप यूज कर सकते हो तो ये तो बात हो प्लस का, अगर आप आइकोनिक बात करते हो तो प्लस के सारे एडवांटेज मिलते हैं साथ ही साथ पर्सनल कोच दिया जाता है स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी जो भी आप नंबर ऑफ वर्कआउट सेशन चाहिए वो मिल रहा होगा जो प्रॉपर टेस्ट जो भी टेस्ट हो गए उसका इनिस इन your dedicated doubt sessions will be given. Apart from this, आपको प्लस का टेस्ट सीरीज मिलता है for gate 22 both in whether to join the plus or iconic and my dear friend find any video to be inappropriate आप रिपोर्ट कर सकते हैं और क्लेम द प्राइस. Above all, when you join the plus or iconic, you are going to learn from the best of the educator of the country that may be Jaspal Singh sir, Praveen Kulkarni sir, Dushan sir, Anirudh sir, and we Prakash sir, your Vivek Gupta sir, या मेरा नाम भी ऐड कर सकते हो. तो मेरे दोस्त आपके लिए बार 20 One के लिए आपका टेस्ट 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 सीरीज चल रहा है 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 जिसमें पहला हो हो चुका है। अगला आपका 21 और 28 को तो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते द कोड तो आज का मोटिवेशन क्या बोलता है भाई आज आज का का मोटिवेशन क्या बोलता है कुछ राइट विशिंग इज नॉट इनफ राइट मस्ट डू हमने विश किया हमको चाहिए गेट ये लेकिन हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे वी आर नॉट टेकिंग इन स्टेप बस चाह रहे हैं कि हमको ये मिलना चाहिए लेकिन उस बात पे चलना ही नहीं चाहते हैं। तो उससे कोई फायदा नहीं होता है चलिए ओके ओके ठीक है मेरे दोस्त ओके बेटा स्वल मैकेनिक्स खत्म होगा तभी तो आपका फाउंडेशन आएगा ओके ओके चलिए स्वल मैके खत्म होगा तभी तो फाउंडेशन आएगा चलिए ओके देख तो so, फिर हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे अच्छा फटाफट पहले शुरू होने से लाल पीला हरा नीला कर देंगे पड़ शुरू लाल पीला हरा नीला सेशन को कर दोगे भाई जल्दी से जल्दी से कल का सेशन नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ बोर्ड इशूज ऑनलाइन नहीं जा सकता था इसके कारण कल सेशन नहीं हुआ था और मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता देता हूं क्योंकि कल से मेरा सर्वे लॉन्च हो रहा है ऑन द प्लस सर्वे इज गोइंग टू लॉन्च सर्वे इज गोइंग टू बी लॉन्च ऑन द प्लस सर्वे शुरू हो रहा है प्लस पे समय है सवा दैट इज थ्री टेन पीएम टू फाइव टेन पीएम ओके ये टाइम है अब मेरे दोस्त ऑब्वियस बात है अगर ये टाइम है तो यूट्यूब की क्लास फाइव थर्टी पर शुरू करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए राइट क्योंकि पूरा सेटअप होता है पूरा चीज करना होता है राइट तो मेरे को पंद्रह मिनट और चाहिए फाइव थर्टी एग्जैक्ट में शुरू नहीं करूंगा तो कल से यूट्यूब का आपका जो क्लास होगा मेरे दोस्त यूट्यूब का जो आपका जियोटेक का क्लास है यूट्यूब का आपका जो जियोटेक का क्लास है कल से आपका जो YouTube का जियोटेक का क्लास है मेरे दोस्त वो रहेगा 5:45 पीएम से ठीक है मैं कोई भी आपका स्लॉट डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं आई एम नॉट डिस्टर्बिंग एनी ऑफ योर स्लॉट राइट मैं बस अपने में क्या कर रहा हूं कि मैंने थर्टी फाइव मिनट का एक्स्ट्रा बेक लिया है क्योंकि मेरे दोस्त तो पांच दस बोलने वाली बात है राइट सो आई विल बी टेकिंग अ क्लास एट आई एम नॉट डिस्टर्बिंग एनी वन ऑफ यू एनी ऑफ द स्लॉट बस पंद्रह मिनट क्लास को एक्सिट कर दिया है ठीक है रात को कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है आई डोंट डोन्ट वॉन्ट टू डिस्टर्ब एनी एजुकेटर क्लास राइट दैट्स व्हाई आई पुट इट एट द 5:45 क्लियर है मेरे दोस्त तो अब ये मत बोलना सर कल क्लास शुरू क्यों नहीं हुआ ठीक है क्लियर है बात अभ्यास कब होगा अभ्यास का टाइम अभी दे दिया जाएगा आपका कल स्पेशल का टाइम है मेरे दोस्त स्पेशल का टाइम है बारह बजे ट्वेल्व पीएम टू वन पीएम दिस द टाइम ऑफ स्पेशल ट्वेल्व पी एम टू वन पी एम ठीक है बारह बजे से लेके एक तक दिस विल द टाइम फॉर दिस विल टाइम फॉर स्पेशल दिस विल बी द टाइम फॉर स्पेशल ठीक है और यहां पे हम पहले बता दे रहे हैं, वी आई विल बी वेरी प्रिसाइज द गेट एंड तो विल बी फोकसिंग ऑन डेट तो ये भूलना मत मेरे दोस्त चलिए आगे बात करते हैं राइट right. लेट्स स्टार्ट मेरे दोस्त लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट शीयर टेस्ट पढ़ा था यस वी हैव लर्न द डायरेक्ट डायरेक्टर टेस्ट वी हैव डन द बेसिक्स दाइ एक्ल टेस्ट वी हैव डन द बेसिक्स ऑफ टेस्ट हमने देखा था इन दोनों में डिफरेंस वी हैव सीन द डिफरेंस इन द बोथ द टेस्ट डायरेक्ट शीयर टेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें लिमिटेशन क्या था देर इज नो कंट्रोल ओवर ड्रेनेज पोर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर

यू कैन कवर ऑल टाइप ऑफ सॉल्स हर तरीके के सॉल्व को कवर कर लिया जाता है राइट चाहे वो किसी भी तरह की सॉल हो क्ले हो सैंड हो सिल्ट हो हर तरीके के आप एनालाइज कर सकते हो इन द ट्राई कैन ड्रॉ द मोर कंप्लीट कंट्रोल ओवर ड्रेनेज पोर प्रेशर कैन बी मेजर्ड राइट इट इज डन इन टू स्टेजेस वन इज द सेल्फ प्रेशर स्टेज सेकंड इज द डिबेटेड स्टेज इन द सेल्फ प्रशर स्टेज माई डिफ्रेंड वीड डिस्कस डेट यू कैन अलाउ दॉटर टू ड्रेन आउट वेन यू अपलाई द चैंबर प्रेशर थ्रू आउट राइट यू कैन अलाउ द वाटर टू ड्रेन आउट अगर तुम वाटर तो देते हो तो हम सॉइल को बोलते हैं तो हमकन्टेटेड से हम को बोलते, stage, stage, और, न, योर stage, जहां बोलते हैं कि भाई मेरे दिस इज अ कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दॉइल जहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस स्टेज में आप जो एडिशनल स्ट्रेस लगा रहे हो इन दल डॉल अगर इस स्टेज में लोड ला के समय आप न, न,

सबसे पहला मेरे दोस्त अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड, अनड्रेन टेस्ट अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं यूयू टेस्ट इसको हम क्या बोलते हैं यूयू टेस्ट आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा यूयू टेस्ट सेकेंड हम बोल रहे हैं मेरे दोस्त कंसोलिडेटेड अन ड्रेन टेस्ट कंसॉलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट डैट इज योर सी यू टेस्ट ठीक है थर्ड हम बोल रहे हैं मेरे दोस्त योर अनकसॉलिडेटेड ड्रेन टेस्ट हम बस कंबिनेशन बना रहे हम ये नहीं बोल रहे ऐसा टेस्ट होता है हम बस कंबिनेशन बना रहे हैं अनकंसॉलिडेटेड ड्रेन टेस्ट अनकंसॉलिडेटेड ड्रेन टेस्ट और फोर्थ है मेरे दोस्त कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट फोर्थ इज योर कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट चलिए इसको हम बोल रहे हैं सीडी टेस्ट इसको हम क्या बोल रहे हैं वी आर सेइंग दिस एज़ अ सीडी टेस्ट चलिए सो दीस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट माय डियर फ्रेंड दीस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट अब यहां पे जरा ध्यान देंगे यहां पे जरा ध्यान देंगे नाम ही सब कुछ बता देगा नाम ही सब कुछ बता देगा

अनकंसोलिटेड अनस्ट तो मेरे दोस्त जितना आपने ट्राइअर पढ़ा है अनकनसोलिटेड में वाटर का बाहर निकलना अलाउड है कि नहीं है अगर है तो किस स्टेज में अलाउड है अगर नहीं है तो किस स्टेज में अलाउड नहीं है अगर दोनों में नहीं तो बात ही अलग है बताओगे जल्दी से द वॉटर इज अलाउड टू ड्रेन आउट इन विच स्टेजेटर बोत और नन बोत और नन नाम देखो खुद बता दोगे नाम देखो खुद बता दोगे यस yes, नाम देखो खुद बता दोगे जस्ट लुक एट द नेम यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन जस्ट लुक एट द नेम नन वेरी गुड अनकंसोलिडेटेड फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज मतलब सेल्फ प्रेशर स्टेज जहां पे क्या बोल रहे हैं द वट इज नॉट अलाउड टू स्केप राइट अंड्रेन अगेन द वॉट इज नॉट अलाउड टू इन स्केट स्टेज और इन द शियर स्टेज राइट So when I say here, when I look here, water is not allowed to drain out, to drain out in both the stages of the test, in both the टेस्ट ठीक है बात ये पॉइंट क्लियर ये पॉइंट क्लियर बोलोगे मेरे दोस्त इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल चलिए अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब देखो ये टेस्ट टाइम कितना लगेगा अब पानी तो निकल नहीं रहा हम कितने समय तक छोड़ेंगे तो अब ये देखो द टेस्ट इज कैरीड आउट द टेस्ट टेक्स द टेस्ट टेक्स फाइव टू फिफ्टीन मिनट पांच से पंद्रह मिनट लगेगा

ये कैसे पे टेस्ट किया जाए ऐसा टेस्ट हमको कौन से पे किया जाए पानी को निकलने ही नहीं दे किसमें नहीं निकलेगा किस तरीके के में हम ऐसा टेस्ट कर सकते हैं भैया ये टेस्ट अगर आप कर रहे हो लैब में तो ऑब्वियस बात है फील्ड से रेप्लिका होगा तभी तो कर रहे हो फील्ड में ऐसा कंडीशन होगा कि पानी नहीं निकल पा रहा है तभी तो आप ऐसा कर रहे हो ना तो ये कौन से कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे पे हम अप्लाई करेंगे पानी नहीं निकलेगा बड़ा सिंपल से बात है पानी किसमें निकलेगा क्ले में नहीं निकलेगा ठीक है अगर तुम लोड लगाते हो तो क्ले में नहीं निकल रहा है जल्दी में पर ऐसा क्यों हो रहा है तो लोड कैसा होगा शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म लोडिंग क्ले के लिए लॉन्ग टर्म लोडिंग क्ले के लिए एंड फास्ट लोडिंग रेट और स्लो लोडिंग रेट जल्दी बताओगे जल्दी बताओगे शॉर्ट टर्म लोडिंग वेरी गुड शॉर्ट टर्म लोडिंग ऑन क्ले लॉन्ग टर्म लगाओगे तो भाई पानी तो निकल जाएगा ना शॉर्ट टर्म लोडिंग एट अ फास्ट लोडिंग रेट शॉर्ट टर्म लोडिंग ऑन क्ले एट अ फास्ट लोडिंग रेट अगर आप करते हो तो उसके लिए कर सकते हो फॉर स्वाइल लाइक फॉर स्वाइल लाइक क्ले इन शॉर्ट टर्म लोडिंग इन शॉर्ट टर्म लोडिंग एट फास्ट लोडिंग रेट पास लोडिंग रेट दिस टेस्ट इज प्रेफर्ड अब क्या आता है ऑप्शन में आएगा डोंट वरी जब आप एमसीक्यू लिखोगे तो इसमें आएगा ठीक है मेरे दोस्त क्लियर है पॉइंट क्लियर है पॉइंट सो यूयू टेस्ट क्या होता है सबको क्लियर हो गया यूयू टेस्ट क्या होता है सबको क्लियर हो गया जल्दी से बताएंगे यूयू टेस्ट क्या होता है सबको क्लियर हो गया यस बोलेंगे मेरे दोस्त यूयू टेस्ट क्या होता है सबको क्लियर हो गया चलिए ठीक है 2021 में आया था तो भाई कौन सा ऐसा चीज है जो आएगा और मेरे नोट्स में नहीं होगा ऐसा हो सकता है क्या सब चीज आप यहाँ पे पढ़ते हो बस प्रोवाइडेड आप कितना उसको अप्लाई करना जानते हो मैंने बोला ना आज का अपना मोटिवेशन ये नॉलेज रखना और अप्लाई करना इसी में अंतर है कंटेंट तो सब पढ़ते हैं पढ़ते तो सब है लेकिन मेरे दोस्त अप्लाई कितने लोग कर पाते हैं वही रिजल्ट देगा आप क्वेश्चन जाके कि कितना क्वेश्चन में अपने जो पढ़े अप्लाई कर पाते वही मैटर करेंगे भैया कम समय लोडिंग लगाए हो कम समय में बात कर रहे हो कम समय में पानी बाहर नहीं निकल पाएगा फास्ट लोडिंग है मतलब कंस्ट्रक्शन तेज हो रहा है कंस्ट्रक्शन इज फास्टर फील्ड पे बात हो रहा है स्लो कंस्ट्रक्शन नहीं कि पानी लोड uh, हो रहा है और सेटलमेंट uh, होते चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे चलो ना द नेक्स्ट पार्ट इज सीडी टेस्ट अगला पार्ट हम बात करें बताओ क्या होगा बताओ क्या होगा सीडी टेस्ट व्हाट विल इन द सीडी टेस्ट द सीडी टेस्ट में क्या होगा मेरे दोस्त व्हाट विल इन द सीडी टेस्ट सीडी टेस्ट सीडी टेस्ट कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट कंसोलिडेटेड नाम से बता दोगे भाई मैं बोला ना रट्टू रट्टु थो थोड़ी ना बना रहे हम तुमको यहां पे हम तुमको रट्टू तोता थो थोड़ी ना बना रहे हैं कि तुम नहीं बता पाओगे यह सर, हम सर पे डिपेंडेंट हो सर हम रट रहे हैं हम तो एक एक चीज हम टेस्ट रट जाएंगे ड्रेन अलाउड इन बोथ द स्टेजेस वेरी गुड वेरी गुड यही बोलते हैं ना समझदारी इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है हर चीज रटा नहीं जाता है ठीक है ना वाटर इज अलाउड टू ड्रेन आउट ड्रेन आउट इन बोथ द स्टेजेस ऑफ ट्राइशियल टेस्ट आई एचएल टेस्ट क्लियर है अब भाई पानी तो धीरे-धीरे निकलेगा है ना पानी तो धीरे-धीरे निकलेगा पानी तुरंत में तो निकलेगा नहीं है कि नहीं द वाटर विल कम आउट स्लोली तो ये फास्ट टेस्ट है या स्लो टेस्ट है मतलब ये टेस्ट में समय ज्यादा लगेगा या समय कम लगेगा टेस्ट को कंप्लीट होने के लिए हां व्हाट विल बी देयर इस टेस्ट में समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा समय ज्यादा लगेगा बिकॉज मानो आपने पहला सेटअप किया पहले आपने टेस्ट किया फॉर अ पर्टिकुलर लोड तो जब तुमने फॉर अ पर्टिकुलर लोड बात किया तो क्या हुआ पानी निकल रहा है पानी निकलना बंद नहीं होगा तुम सेकेंड स्टेज पे नहीं जा सकते तो आप वेट करो कि पानी निकलना बंद हो जाए कंसॉलिडेट तो हो जाए राइट उसके बाद तुम अप्लाई करोगे डेबिट अब उस स्टेज में भी क्या होगा पानी आपका निकल रहा होगा धीरे धीरे राइट right, तो जब तक फेल नहीं होगा तब तक आप चेक कर रहे इट क्लियर तो मेरे टाइम टू कंप्लीट द कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट विल बी मोर नियरली कुछ कुछ सॉल्व में जैसे सॉफ्ट क्ले है राइट right? अब अब क्ले में ऐसा भी होता है कि a, uh, मतलब दो दो हफ्ता लग जाता है टू वीक्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस टेस्ट राइट तो यहां पे क्या बोल रहे टाइम रिक्वायर्ड For completion of test is high sometimes as high as two weeks, sometimes as high as two weeks. Is it sometimes as high as? क्लियर है बात चलिए तो ये बात हो होगी आपका इसका अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा वॉट आर द एग्जाम्पल आर द क्या क्या, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वॉट आर द एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा क्ले इन अ लॉन्ग टर्म लोडिंग क्ले इन अ लॉन्ग टर्म लोडिंग है ना एंड सैंड इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोडिंग बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोडिंग बहुत क्योंकि पानी निकल जाएगा ना भाई पानी तो निकल जाएगा इज इट क्लियर टू ऑल इज इट क्लियर टू ऑल यस क्ले फॉर लॉन्ग टर्म लोडिंग एंड साइड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोडिंग सो ये हो गया कौन सा मेरे दोस्त? ये किसकी बात करें हम लोग वी आर टॉकिंग फॉर दी डी टेस्ट क्लियर है यहां तक एनी डाउट एनी वन इजिंग एनी डाउट एनी वन इजिंग प्लीज आस्क एनी डाउट एनी वन इज है चलिए ओके okay, फिर आगे बढ़ दें अगला है मेरे दोस्त कंसोलिडेटेड अंडररेंट टेस्ट अगला आपका कंसोलिडेटेड अंडररेंट टेस्ट सीयू टेस्ट अब क्या होगा यहां पे कंसोलिडेटेड अंडररेंट टेस्ट क्या होगा यहां पे सर लॉन्ग टर्म लोडिंग अरे भाई मेरे लॉन्ग टर्म लोडिंग क्या लोड लगा हुआ है लंबे समय तक और उसके बाद वो सेटलमेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हो मतलब एक सोइल के लिए आपने जब लोड लगाया तो लोड ज्यादा समय के बाद आप अगर उस सॉल्व को टेस्ट करते हो उसकी बात कर रहा है तो उस समय आप सॉल सैंपल की टेस्टिंग कर रहे हो क्लियर है बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं चलिए सर फर्स्ट स्टेज में अलाउ होगा सेकंड में अलाउ नहीं होगा ओके गुड द फर्स्ट स्टेज इट विल अलाउड सेकंड स्टेज इट विल नॉट अलाउड सर सीडी टेस्ट में फेल नहीं होगा या होगा क्यों नहीं होगा फेलियर होगा तभी तो रोकेंगे लोड लगाना ऊपर से सो कंसोलिडेटेड अंड्रेन टेस्ट सी यू टेस्ट क्या बोल रहे हैं यहां पे इन दिस स्टेज इन दिस टेस्ट ड्रेनेज इज अलाउड

समय कितना लगेगा देखो जनरली मैं बात करूं समय का अगर मैं बात करूं तो वी टेक एस ट्वेंटी फोर प्लस टू आवर्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेस्ट कंप्लीशन फॉर टेस्ट कंप्लीशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेस्ट कंप्लीशन कितना मानेंगे ट्वेंटी फोर आवर प्लस टू आवर क्योंकि पहले में ड्रेनेज अलाउ करना है दूसरे में अलाउ नहीं करना है तो जिसमें अलाउ नहीं करना है समय कम लगेगा जिसमें अलाउ करना है समय ज्यादा लगेगा क्लियर है मेरे दोस्तों ट्वेंटी फोर प्लस टू आवर ट्वेंटी फोर प्लस टू आवर कहा पानी का टेबल में सडनली लोअर होता है जहां पानी का टेबल सडनली नीचे जाता है ड्रॉप करता है वहां पर इस टेस्ट को यूज करते हैं तो यूज फॉर सॉइल सब्जेक्टेड टू सडन लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल 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 अरे भाई मेरे तो इनफ़िनाइट टाइम लगेगा तो इसका मतलब ये तो हम इनफ़िनाइट टाइम बात करेंगे आप छोटा सा सैंपल लियो थोड़ी ना फील्ड पे बात कर रहे हो आप छोटा सा सैंपल लियो ना जी और छोटे से सैंपल में बात कर रहे हो तो थोड़ी ना छोटे टाइम के लिए आप टेस्ट कर रहे हो आप तो बोले थे कि सर इन्फ टाइम लगेगा भाई याद है भूल गए बोलते हैं ना नाइनटी परसेंट पे खत्म हो गया हम यही मांगे आगे बढ़ते चलिए आगे बढ़ते तो अब मेरे दोस्त यहां पे देखो हमने तीन टेस्ट कवर कर दिया हमने बोला कि फोर्थ जो टेस्ट है That is drain test, वो नहीं है। जो पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं है, प्रेशर लगा रहा है उसके कारण उसके कारण आपका वॉटर उसके कारण आपका वॉटर बाहर निकला अब जो तुम अभी एडिशनल और जो डिबेटर्स कोई कंस्ट्रक्शन के कारण बात कर रहे हो तो मेरे दोस्त आप समझो बात को अगर लंबे समय से जो लोड लग रहा है अगर वो सॉइल को कंसोलिडेट नहीं करा पाया तो क्या लगता है अगर हम शॉर्ट टर्म में कोई बिल्डिंग खड़ा कर दे या कुछ समय के लिए कोई बिल्डिंग खड़ा कर दे तो उससे पानी निकल जाएगा तुरंत में सोच के बताओ सोच के बताओ सोच के बताओ जल्दी से इज इट पॉसिबल इज इट पॉसिबल अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई देखो दो, दो स्टेज हम क्यों कर रहे हैं समझना बहुत ध्यान से उटसोलिड और अनकोलिडेटेड मतलब किस है, है? है और पानी बाहर निकल रहा है तो वहाँ पे क्या अगर आप कंस्ट्रक्शन तो के दौरान या कंस्ट्रक्शन के कुछ समय के बाद आपका पानी बाहर निकल रहा है तो आप समझोगे बात को यहां से अगर आपके पास कोई ऐसा सैंपल मिला आपको कोई ऐसा सॉइल मिला जो उतरे दिन से सराउंडिंग प्रेशर लग रहा है लेकिन वो कंसोलिडेट नहीं हुआ अगर अब हम कोई ऊपर से कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो क्या वो कंसोलिडेट uh, हो जाएगा उसमें पानी निकल जाएगा पॉसिबल ही नहीं है तो प्रैक्टिकली ऐसा सवाल नहीं मिल सकता डेट इज टेस्ट को किया जाए जिसके लिए ये बात समझ में आ गया ये बात समझ में आ गया जल्दी से बताएंगे ये बात समझ में आ गया यस यस और नो सो नोट If a soil is not consolidated for a long term stress due to adjacent soil. Then it cannot get drained, it cannot get drained due to a construction. Right, hence, hence, unconsolidated drain test. अनकंसोल्टेटेड ड्रेन टेस्ट इज नॉट डन फॉर अ आई होप इट क्लियर 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 टू 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 ऑल। ऑल। आई आई होप होप इट इट ऑल। क्यों हम अनकंसॉल्टेटेड ड्रेन टेस्ट नहीं करते हैं आपको ये समझ में आना चाहिए क्यों हम अनकंसॉल्टेटेड ड्रेन टेस्ट नहीं करते ये आपको क्लियर होना चाहिए अनकंसोल्टेटेड या कंसोल्टेटेड किससे लिंक हो रहा है

Is it clear to everyone? बोलो मेरे दोस्त ये पॉइंट क्लियर है सबको ये पॉइंट क्लियर है सबको मैंने आपको सिंपल बोला कि अगर soil, मैंने आपको सिंपल बोला अगर सॉइल आपका सराउंडिंग सॉइल जो बहुत समय से लग रहा है जो प्रेशर लगा रहा होगा आपके सैंपल पे अगर वो कंसोलडेट नहीं कर पायाल को अगर वो कंसोलडेट नहीं कर पाया पानी नहीं निकल पाया तो अभी अगर तुम कोई कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो उससे पानी तुरंत में नहीं निकल जाएगा राइट तो इसी कारण से आपका सॉइल ड्यू टू द सराउंडिंग अगर अनकंसोलिडेटेड है सो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन सडनली ड्रेन नहीं हो जाएगा इसलिए अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट आपका पॉसिबल नहीं है ठीक है आपने लिखा ना लास्ट वाले में सैंड में बोध अरे बाबा तो यहां थोड़ी निका है वो तो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट करेंगे ना उसमें यहां पे ड्रेन टेस्ट लिख रहे हैं भाई कुछ भी बोल रहे हो सर आपने लिखा ना क्लियर है पॉइंट क्लियर है पॉइंट तो में आपका सैंड में परिटी हाई होता है तो उसमें आप शॉर्ट टर्म लोडिंग देखो या लॉन्ग टर्म लोडिंग देखो पानी निकल जाएगा इसलिए हम दोनों में ड्रेन टेस्ट करते हैं इस डेविएटर स्ट्रेस ये तो मैंने बोला नहीं कि डेविएटर स्ट्रेस हमेशा बड़ा होगा अपने मन से कहानी मत बनाओ इस डेटेस्ट स्ट्रेस ऑलवेज ग्रेटर दैन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है चलो आगे बढ़ते हैं तो मेरे दोस्त जब आप लोड लगा रहे हो वेन यू आर अप्लाइंग द लोड ऑन द सॉयल फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द साइड्स सो माय डियर फ्रेंड देयर विल बी चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द सॉइल सैम्पल येस ऑर नो मेरे दोस्त वेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द लोड on the soil sample that is in the rubber membrane let us say the soil sample has an initial length let us say the soil sample has an initial length of l0 l and the area of a0 the area of a0 now when you apply the load when you apply the load this is going to deform this is going to deform the length is going to reduce the length is going to reduce लेंथ इज गोइंग टू रेड्यूस राइट वॉल्यूम चेंज विल आकर वॉल्यूम चेंज विल आकर डिपेंडिंग डिपेंडिंग द वॉल चेंज द वॉल्यूम चेंज विल आकर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द टेस्ट राइट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द टेस्ट सो लेटर से दिस इज द डेपले आपका जो डिफॉर्म शेप है वो ये बना रहे देखो अब यहां पर सब लोग देखो अब यहां पर सब लोग एल so, से चेंज होकर लेटेस्ट से बना क्या एलडश राइट वॉल्यूम इनिशियल बी था वॉल्यूम बदल गया क्या हो गया यहां से बी से हो गया बी वन वॉल्यूम भी बदल गया लेंथ भी बदल गया वॉल्यूम भी बदल गया लेंथ भी बदल गया ठीक है द वॉल्यूम ऑल्सो चेंज देंज सो माई डियर फ्रेंड माई डियर फ्रेंड आप क्या लिखोगे आई वॉन्ट टू फाइंड द एरिया एट फेलियर आई वॉन्ट टू फाइंड द एरिया एट फेलियर मुझे क्या जानना है कि वॉट इज फेलियर एरिया तो फेलियर एरिया कैसे लिखोगे वॉल्यूम अपॉन लेंथ जो v1 है अपॉन l यही लिखोगे टेल मी यस और नो v1 अपॉन वीड भैया एरिया क्या होता है वॉल्यूम अपॉन लेंथ विल गिव यू द क्रॉस सेक्शनल एरिया डाट विल गिव यू द क्रॉस सेक्शनल एरिया जल्दी से बताओगे सब लोग डाट विल गिव यू द क्रॉस सेक्शनल एरिया यस ये आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया देगा एरिया so इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलेगा तो यहां से मेरे दोस्त हम क्या लिख रहे हैं v प्लस माइनस डेल v जो चेंज आया वॉल्यूम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है जैसे मान लो अगर लूज सॉयल है और आप लोड लगा तो कंसोलिडेट अनुसार हो सकता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाए डेंस सॉयल है तो हम बताएंगे आगे पढ़ाएंगे आगे कि जब आप लोड लगा रहे हो आफ्टर अ सर्टेन लोड आफ्टर सर्टेन डिफॉर्मेशन उसका वॉल्यूम क्या हो जाए बढ़ जाए तो वॉल्यूम कैन इंक्रीज वॉल्यूम कैन डिक्रीज इट डिपेंड्स डैश क्या लिखेंगे L यहां तक कोई डाउट किसी को एरिया में कोई चेंज क्यों नहीं वॉल्यूम एरिया क्यों नहीं बदलेगा भाई एरिया क्यों नहीं बदलेगा यह बताओ ना एरिया क्यों नहीं बदलेगा रबड़ में थोड़ी ना रिजिड में वेन यू अप्लाई द लोड द एरिया विल चेंज यही तो बात कर रहे एरिया की तो बात कर रहे हैं एरिया एट फेलियर की तो बात कर रहे हैं अब देखो यहां पर सो मेरे दोस्त लेंथ तो आपका कम होगा ही बिकॉज यूर अपलाइंग द कंप्रेसिव लोड सो लेंथ विल रेड्यूस लेकिन वॉल्यूम में इंक्रीज द वॉल्यूम में डिक्रीज क्लियर है चलिए सो वी कॉमन लिए एल कॉमन ली v क्या हो गया वन प्लस माइनस डेल्टा v बाई वी अपॉन वन माइनस डेल्टा l बाई एल सो v बाई एल क्या बोलोगे अंकित भाई कोई बात नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है आप आराम करो क्योंकि आप अभी ज्वाइन किए हो तो कहां से कुछ समझ में आएगा है ना तो थोड़ा पुराने लेक्चर्स देख के आओ फिर ज्वाइन करो समझ में आ जाएगा कुछ भी लिख देना है भाई अभी ज्वाइन किया अभी खुद लिख रहा है सर कितने बजे शुरू हुआ अभी खुद लिख रहा है कितने बजे शुरू हुआ अब फिर लिख रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां समझ में आएगा वी वाई एल क्या हो गया ओरिजिनल एरिया ए नॉट है ना ए नॉट इनिशियल एरिया डेल्टा v बाई वी क्या लिखेंगे डेल्टा v बाई वी क्या लिखेंगे वट इज डेल्टा बी बाई बी नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन राइट देखो प्रॉब्लम क्या है ना मेरे साथ हम लोग जब पढ़ाते हैं बहुत दिल से पढ़ाते हैं यह बात शायद आप लोग कभी नहीं जानोगे हम लोग के पढ़ाने का तरीका ये होता है कि बेईमानी करके नहीं पढ़ाएंगे कभी ठीक है वी टीच वट एवर वी टीच वी नो हाउ मच एफर्ट वी पुट ड्यूरिंग टीचिंग राइट तो गलत बात एकदम पसंद नहीं है गलत बात मुझे एकदम नहीं पसंद है ठीक है चलो ओके okay. अब देखो यहां पे। सो माय डियर फ्रेंड माय डियर फ्रेंड व्हेन आई टॉक अबाउट द एरिया एट फेलियर तो अब देखो जो भी लोड लगाओगे मान लो आपने प्रूविंग रिंग के मदद से आपने लोड कितना लगाया

दिस इज दीलियर नाउ सपोज आई एम गोइंग फॉर यू यू टेस्ट इफ आई एम गोइंग फॉर यू यू टेस्ट फॉर यू यू टेस्ट तो यू यू टेस्ट में जगह है क्या अगले पेज में नहीं नहीं इफ आई एम गोइंग फॉर यू यू टेस्ट अनकोलडेटेड तो अगर पानी बाहर निकलेगा नहीं तो वॉल्यूम में कोई बदलाव आएगा क्या अगर पानी बाहर निकलेगा नहीं तो वॉल्यूम में कोई बदलाव आएगा क्या जल्दी से बताएंगे

समझ लो ना बात को तो यार अगर तुम चाहते हो कि मैं खत्म कर दू तो बस नाम लिख दूंगा टॉपिक का खत्म हो जाएगा आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम मैं नाम लिख देता हूं टॉपिक का खत्म कर लो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम लेकिन अगर पढ़ना है सही से तुमको चाहिए कि नंबर आना है तो पढ़ लो शांति से मैं पर डे दे देखता हूं जहां एक दो दिन होता नहीं है सर जियोटेक कब खत्म हो रहा है ग्रुप पे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं और मैं उसका रिप्लाई करना ही नहीं चाहता हूं है ना ऐसा मत किया करो ऐसा मत किया करो ठीक है ऐसे मत किया करो तुम्हारे को पढ़ना है रिकॉर्डेड अवेलेबल है पढ़ लो लेकिन बाकियों को परेशान मत करो बाकियों को इनसिक्योर मत बनाओ ठीक है बाकियों को इनसिक्योर मत बनाओ सब आगे पढ़ाएंगे अंकिनानी अनिकेत भाई हमको पता है तुम पढ़े हुए हो पाई सवाल सिपाही सवाल सब आगे बढ़ता है प्लास्टिक डिटेल सब पढ़ेंगे आगे अरे रेगुलर वालों में ही कर देते हैं भाई तभी तो बोल रहे हैं प्रॉब्लम तभी तो आता है मेरे को अब देखो यहां पे क्या लिखा है अनकनफाइंड कंप्रेशन टेस्ट अनक मतलब रबर दिस इज द स्पेशल केस ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट ये एक स्पेशल केस है स्पेशल केस ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट स्पेशल केस ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट द स्पेशल केस ऑफ ट्राइ एक्श टेस्ट ठीक है तो अब मेरे दोस्त यहां क्या बोल रहे अनकनफाइंड ये बोल रहे अनकनफाइंड कंप्रेशन टेस्ट अनकन्फाइंड मतलब विल देर बी एनी कन्फाइनमेंट विल देर बी एनी रबर मेम्ब्रेन क्या यहां पे कोई रबर मेम्ब्रेन होगा यस विल देर बी एनी रबर मेम्रेन नो रबर मेमब्रेन नो रबर मेमब्रेन टू सपोर्ट दस वाइफ नो रबर मेम्बरेन मतलब अगर हमको हाइट पे खड़ा रखना है तो सोइल सॉइल कैसा होना चाहिए सॉइल कैसा होना चाहिए सेल्फ सपोर्टिंग सॉइल होना चाहिए, चाहिए? टेल मी ये नो भैया मेरे हमको एक मोल्ड बनाना है और उस मोल्ड पे हमको को कोई रबड़ मेमडेन नहीं दे रहे हैं तो अगर हम कोई रबड़ मेमडेन नहीं दे रहे उस हाइट पे सॉइल को खड़ा रखने के लिए राइट right. हमको एक ऐसा सवाल सैंपल चाहिए हमको एक ऐसा सवाल सैंपल चाहिए जो जो मेरे दोस्त सेल्फ सपोर्टिंग कैपेसिटी रखना चाहिए मतलब सेल्फ स्टैंडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए जिसकी यस और नो हम वैसे ही सवाल को रख सकते हैं अब ये किसमें पाया जाता है ये पाया जाता है सैचुरेटेड क्ले में अगर सैचुरेटेड क्ले होता है तो मेरे दोस्त उसमें क्या पाया जाता है इट हैज कैपेसिटी टू स्टैंड अपटे हाइट सैंड में नहीं मिलेगा में, आपको बालू में यह चीज नहीं मिलेगा कि बालू आपका क्या हुआ खड़ा हो गया अब टू हाइट नहीं पॉसिबल है बात समझो लेकिन क्ले में यह चीज पॉसिबल है क्ले में ऑब्जर्व किया जाता है यस और नो सो दिस इज ऑब्जर्व इन द क्ले सॉइल सो माय डियर फ्रेंड यूज फॉर सैचुरेटेड सॉफ्ट क्ले यूज फॉर सैचुरेटेड सॉफ्ट क्ले क्लियर है बात यूज फॉर सैचुरेटेड सॉफ्टी सब मिट्टी की मूर्ति बना दो खड़ा करके अरे राम नो रबर मेमडेन नो रबर में भाई कोई कन्फाइनमेंट नहीं देते नाम में लिखा है अनकन्फाइंड वी डोंट प्रोवाइड एनी कन्फाइनमेंट चलिए अगला बात यहां पे देर इज नो चैम्बर प्रेशर स्टेज नो चैम्बर प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द स्वाइल डायरेक्टली वी विल गो टू द डेविएटर स्टेज तो यहां पर क्या बोल रहे हैं नो चैंबर प्रेशर इज अप्लाइड नो चैंबर प्रेशर इज अप्लाइड कहने का मतलब है कि सिग्मा थ्री बोलो या सिग्मा टू बोलो ये बराबर क्या होगा सिग्मा थ्री बोलो या सिग्मा टू बोलो यह क्या होगा दिस विल बी इक्वल टू जीरो दिस विल बी इक्वल टू जीरो यहां तक पॉइंट क्लियर है यहां तक पॉइंट क्लियर है यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको यस चलिए आगे बात करते हैं मेरे दोस्त आगे बात करते हैं तो अब यहां पर क्या होगा यू आर गोइंग टू अप्लाई द डेविटर स्ट्रेस डैट विल भी इक्वल टू सिग्मा वन और इस डेविएटर स्ट्रेस को आप बोलते हो अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्वाल डैट यू आर गोइंग टू अप्लाई द स्ट्रेस विल बी सीन ये जो आप वैल्यू लिख रहे हो गए टाइम वेन द स्वाल इज गोइंग टू फेल इन द शियर दैट इज अ टाइम वेन द स्वाल इज गोइंग टू फेल इन द शर सो डेविएटेड स्ट्रेस इज अप्लाइड इज अप्लाइड on the soil which is also referred as which is also referred as unconfined compressive strength ऑफ स्वाइल अनकनफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सोइल डेविडेस्टेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं अनकनफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सोइल ठीक है अब देखो यहां पर आगे तो मेरे दोस्त दिस इज दैंपल राइट वी आर गोइंग टू अप्लाई वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रेशर फ्रॉम द टॉप देर इज नो कन्फाइनिंग प्रेशर देर इज नो कन्फाइनिंग प्रेशर सो डेविएट स्ट्रेस और सिग्मा वन राइट यहां पर क्या है सिग्मा थ्री इज इक्वल टू जीरो क्लियर है बात तो आपके पास फॉर्मुला क्या बन गया सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू प्लस टू सी टेन ऑफ फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू यही है मेरे दोस्त अब मेरे दोस्त सिग्मा थ्री क्या है आपका जीरो है तो ये क्या बन गया टू सी टेन ऑफ फोर्टी फाइव प्लस जनरली अगर आप क्लेई सॉइल के लिए बात कर रहे हो यू आर टॉकिंग फॉर क्लेई सॉइल ठीक है यू आर टॉकिंग फॉर क्लेई सॉइल तो सॉल्व यहां क्या लिख रही फाइव इज इक्वल टू जीरो अगर फाइव क्या है मेरे दोस्त इक्वल टू जीरो है. सिग्मा वन और अनकनफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू टू सी यस और नो यस और नो बोलोगे मेरे दोस्त इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल बेटा लाइक और शेयर आप लोग नहीं करते हो गलत बात है पाप लगेगा सबको याद रखना चलो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन बोलोगे मेरे दोस्त इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल यस चली तो डिफरेंस शुड बी क्लियर कहां पे अप्लाई कर रहे हैं ये क्लियर राइट right. तो अगर मानो क्वेश्चन में आपको सी सवाल दे दिया आप ये यूज करोगे अगर क्वेश्चन में फाइव करोगे चलिए मतलब क्वेश्चन में अगर सी सवाल है तो आप नीचे वाला अगर सी पाई है तो ये वाला सिर्फ फाइव विल नॉट बी क्लियर टू ऑल इज इट क्लियर टू ऑल ओके ओके C है तो ये रहेगा सीफाई है तो ये रहेगा इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर फाइस इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर फाइसॉल अगर ले करोगे, टू जीरो चलिए क्लियर है यहां तक अनक्रेसिव स्ट्रेंड ट्राई बेसिक्स क्लियर ओके लेट्स कम टू दैट इज बेन शियर टेस्ट जो अपने आज का टॉपिक भी रहा है देखा होगा तो आज यही अपना टॉपिक था तो लेट सी दिस टेस्ट शियर टेस्ट मजा आ गया गुड शियर टेस्ट तो बेसिकली आप यहां पे डायग्राम में शायद थोड़ा ब्लर्ड होगा तो मैं आपको यहां पे अलग से बना दे रहा हूं ठीक है देखोगे बेसिकली वाट विल बी देर यहां पर देर विल बी वेन देर विल बी वेन्स देर विल बी वेन्स के देर विल बी विन्स ओके जस्ट ऑब्जर्व फीलिंग आ जाएगा ट्राई टू डेवलप द फीलिंग है ना कोशिश करूंगा कि वेन कैसा दिख रहा है आपको फील आ जाए एश्योरेंस तो हम कुछ नहीं देते हाँ बट कोशिश कर रहे हैं ओके ये पीछे वाला पार्टे डॉटेड होगा पीछे वाला पार्ट है डॉटेड होगा दिख रहा है क्या यस yes? चलो ओके सो माय डियर फ्रेंड बेसिकली क्या है दिस इज अ वे नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज अ रॉड दिस इज द रॉड इसके यू कैन सी वन पार्ट टू पार्ट फोर ब्लेड्स वन ब्लेड टू ब्लेड थ्री ब्लेड फोर ब्लेड कैन विजुलाइज़ दिस कैन दिस यस ब्लेड विजुलाइज़ हो गए सबको राइट चार ब्लेड विजुलाइज हो गए सबको चलिए अब देखो यहां पे मेरे दोस्त अगर ये विजुलाइज हो गए तो बेसिकली अब करना क्या है? देखो इस ब्लेड का एक डायमीटर होगा दिस ब्लेड हैज अ डायमीटर

टू दिन एंड द वेन विल बी रोटेटेड एट अ सर्टेन स्पीड राइट क्या करो ट्विस्ट दे रहे हो एंड के इज द ट्विस्ट twist, तो आपने टॉर्क कितना अप्लाई किया के टाइम्स थीटा ठीक है कब तक अप्लाई किया जब तक रेजिस्टेंस आना बंद नहीं हो जाए मतलब वो वैल्यू नोट किया कि कब तक कितना धीरे धीरे ट्विस्ट दे रहे कि भाई अब रेजिस्टेंस आना बंद हो गया

देर इज नो मीडियम टू मेजर द पोर प्रेशर और पानी बाहर नहीं निकल सकता राइट द वॉटर कैन नॉट बी ड्रेन आउट तो यह कैसा टेस्ट होगा ड्रेन टेस्ट होगा या अनड्रेन टेस्ट होगा द वॉटर इज नॉट अलाउड यहां पर अब दो स्टेज नहीं है सिर्फ एक ही स्टेज है सो so आप जो टेस्ट कर रहे हो कैसे सॉल्व सैंपल पर टेस्ट करोगे ड्रेन के लिए या अनड्रेन के लिए यस yes? अंड्रेन के लिए दूसरी बात इट इज सॉफ्ट सैचुरेटेड प्ले मतलब इट इज डन फॉर द सॉफ्ट सैचुरेटेड प्ले इन द अड्रेन कंडीशन इट इज डन फॉर द सॉफ्ट सैचुरेटेड प्ले इन द अड कंडीशन इज दिस नॉट क्लियर टू ऑल तो अब देखो यहां क्या लिख रहे हैं इन दिस टेस्ट ड्रेनेज इज नॉट अलाउड Drainage is not allowed. Therefore, therefore, the test is preferred for saturated soft clay. ठीक है बात फॉर सैचुरेटेड सॉफ्ट प्ले इनड्रेन कंडीशन ठीक है किसके लिए करते हैं सैचुरेटेड सॉफ्ट प्ले इन अनडीशन उसके लिए टेस्ट कर रहे होते हैं क्लियर यह है? सब आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त ऑल दीज आर द्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव धीरू बाबू गलत न्यूज मत फैलाओ क्या हो गया भाई चलो ओके okay. देखोगे अब यहां पे देखोगे अब यहां पे ध्यान सब लोग सो माय डियर फ्रेंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू अप्लाई द ट्विस्ट इंसर्ट द इंसर्ट द वेन इन द सैंपल इन द सैंपल एंड Twist it slowly, twist it slowly at a certain rate, at a certain rate. If theta is twist at failure and k is the constant, k is constant, then torque applied.

क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक अब देखो अब देखो यहां पे अब समझोगे यहां पे ध्यान से मेरे दोस्त अब जब आप शीयर की बात कर रहे हो जब आप शीयर कैसे आएगा शीयर रेजिस्टेंस कैसे आएगा इसकी बात कर रहे हो तो बेसिकली यहां पे टेस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है पहला है वन वे शीयर दूसरा है टू वे शीयर वी आर क्लासिफाइंग द टेस्ट इन टू पार्ट्स पहला पार्ट हम बोल रहे हैं मेरे दोस्त वन वे शियर और दूसरा पार्ट हम बोल रहे हैं टू वे शियर दो तरीके से टेस्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं अब ये है क्या ये बात करते हैं देखो यहां पे वन वे शियर और दूसरा आपका टू वे शियर दो तरीके का टेस्ट आप कर सकते हो एक आपका वन वे शियर है दूसरा आपका टू वे शियर है ट्विस्ट बाय मैकेनिकल मींस यस देखो यहां पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दिस बाई दिस वन वे शेयर एंड टू वे शेयर लेट्स बी क्लियर ऑन दिस लेट्स बी क्लियर ऑन दिस देखोगे यहां पर ओके okay. दिस इज दॉल सैंपल दिस इज दैंपल आपने क्या किया वेन लाया यू ब्रॉट द वेंग और वेंग किस तरीके से रखा कि जो ऊपर का सतह है ना वेंग का जो ऊपर का सतह है द अपर पार्ट ऑफ द वेंग इज नॉट हैविंग सॉइल वो सर्फेस पे है वो सर्फेस पे है ठीक है डैट इज एट द सर्फेस इज इट क्लियर अपर पार्ट ऑफ एट द सर्फेस उसके ऊपर कोई सॉइल नहीं है जल्दी से बताओगे मेरे दोस्त. ट्विस्ट यू आर गिविंग राइट बट शीयर इज नॉट प्रेजेंट अब देव सबको दिख गया मेरे दोस्त सबको दिख गया यस yes. यस yes. ये पॉइंट सबको दिख गया देर इज नो सोइल अब देव

जी दिस इज द वेन क्या होगा यहां पे क्या होगा यहां पे क्या होगा यहां पे यस द वेन इज केप्ट सच डैट द वेन इज केप्ट सच डैट विल सी द रेजिस्टेंस बोथ फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम यू विल सी द रेजिस्टेंस बोथ फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम

यस yes. ये क्लियर है फिर आगे बात करते हैं ये क्लियर है फिर आगे बात करते हैं चलिए ओके क्लियर तो बेटा जब आप अब आप जब ट्विस्ट दे रहे हो तो सॉइल इज गोइंग टू फेल इन द शेयर द सॉइल इज गोइंग टू फेल इन द शेयर राइट तो जो शेयर स्ट्रेस होगा डेट इज द मैक्सिमम शेयर जो सॉइल लगा रहा होगा बिफोर गेटिंग फेल्ड यस और नो अब समझना ध्यान से तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्त टॉर्शन रेजिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम साइट्स टॉर्शनल रेजिस्टेंस फ्रॉम साइट्स नाउ विजुअलाइजेशन का ही गेम है पूरा गेम विजुअलाइजेशन का है पूरा गेम विजुअलाइजेशन का है समझना बहुत ध्यान से मेरे दोस्त समझना बहुत ध्यान से इट्स इट्स द एंटायर गेम ऑफ विजुअलाइजेशन नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी वन ट्राई टू अंडरस्टैंड बड़ा मजा आने वाला है बड़ा मजा आने वाला है मेरे दोस्त मेरे दोस्त नाउ कैन अगर हम बात कर रहे हैं साइड से तो अब होगा क्या जब ये घूम रहा होगा जब ये वेन आपका घूम रहा होगा ठीक है हम भी घूम रहे हैं साथ में जब ये वेन आपका घूम रहा होगा तो मिट्टी इस वेन में गया होगा मतलब जो बीच में गैप होगा उसमें तो मिट्टी भरा होगा तो मिट्टी चारों जो गैप मतलब जो ब्लेड्स है ब्लेड, ब्लेड का भी जो मिट्टी भरा हुआ है नाउ वेर इट इज गोइंग टू टर्न कैन यू सी दियर रेजिस्टेंस राइट वेन इट इज गोइंग टू टर्न कैन यू सी दियर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द साइट्स कैन यू सी द शर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द साइट यस और नो कैन यू सी दियर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द साइट टेल मी यस और नो दिख रहा है सबको यस yes. साइड से सबको शेयर रेजिटेंस दिख रहा है क्या साइड से सबको shear resistance दिख रहा है क्या? सिलेंडर ah? so सबको ये रेजिस्टेंस एक सिलेंडर पे लगता हुआ दिख रहा है क्या सबको ये रेजिस्टेंस एक सिलेंडर पे लगता हुआ दिख रहा है क्या जहां पे हम बोल रहे हैं कि भाई ये पूरा डायमीटर आपका डी था तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी डी बाई टू राइट ये हाइट आपका हो गया क्या दिस हाइट विल बी नथिंग बट एच बाई दिस इज एच तो अब मेरे दोस्त आप ये बताओ जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो इस सरफेस पे लग रहा है ऐसे लग रहा है राइट यू नीड टू विजुलाइज दिस इट इज अर्थिंग लाइक दिस राइट इस सरफेस पे लग रहा है हम ये नहीं बोरे ऊपर लग रहा है इट इज आर्थिंग लाइक दिस अराउंड द अराउंडफर इट इज आर्थिंग

फोर्स हो गया नाउ दिस फोर्स दैट इज द शियर फोर्स मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस विल गिव यू द दिस्टेंस वी यूज फॉर सॉफ्टले बिकॉज अगर तुम स्ट्रिप में करोगे तो दे इज अ प्रॉब्लम कि आप वे नहीं तोड़ दोगे हा भाई बताओगे बताओगे जल्दी से वट इज द फोर्स एस इन टू पाई डी एच दिस मल्टीप्लाई रेडियस दैट इज वॉट डी बाई टू कोई डाउट यहां तक डी बाई टू फोर्स इंटू डी बाई टू बैठा आर होता रेडियस रेडियस इज इक्वल टू डी बाई टू यहां डायग्राम में दिखाए हैं इट्स नॉट आर बाई टू क्लियर है बात क्लियर है बात बोलो मेरे दोस्त मजा आया मजा आया कि नहीं आया बताओ तो रेजिस्टेंस फ्रॉम साइड्स क्लियर हुआ टॉर्शनल रेजिस्टेंस फ्रॉम साइड्स क्लियर है सबको टोर्शनल रेजिस्टेंस फ्रॉम साइड्स क्लियर है सबको बताएंगे जल्दी से इज द टोर्सनल रेजिस्टेंस फ्रॉम साइड्स क्लियर टू ऑल चलिए अगला बात करते हैं मेरे दोस्त अगला बात करते हैं टॉर्शनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फ्रॉम टॉप और बॉटम ये कोई एक का बात कर रहे हैं या तो टॉप से या तो बॉटम से ठीक है मेरे दोस्त तो अब समझना बात को ध्यान से अगर हम प्लान व्यू देखें, तो प्लान व्यू में मेरे दोस्त अगर हम प्लान व्यू देखें मेरे दोस्त तो हमको क्या दिखेगा क्या दिखेगा क्या, दिखेगा? क्या शियर फोर्स एट ऑल द रेडियल डिस्टेंस विल बी सेम शियर स्ट्रेस बट विल बी दि फोर्स एट ऑल डिस्टेंस अरे भाई मेरे सेंटर पे लाना है यह टोटल डी है डायमी डी है आपको क्या लगाना है टॉर्क लगाना है तो फोर्स आपको लग रहा है फोर्स इंटू द डिस्टेंस टू द सेंटर दी बाई टू बोलो मेरे दोस्त तो फोर्स अब क्या देखोगे भाई शीयर स्ट्रेंथ इज कॉन्स्टेंट एट ऑल नो डाउट लेकिन मेरे डिफरेंट रेडियल डिस्टेंस दिल बी डिफरेंट बिकॉज जिस सरफेस होगा वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है एरिया बढ़ते जाएगा शियर फोर्स बढ़ता जाएगा शियर फोर्स बढ़ता जाएगा, जाएगा टॉर्क बढ़ते जाएगा बात समझ में आए तो दैट मीन एट द टॉप एंड बॉटम दोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट दट द टॉर्क इज नॉट गोइंग टू बी कॉन्सटेंट तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं मेरे दोस्त वी डू इन सच केसेस व्हाट वी डू इन सच केसेस वी टेक अ अटिमल स्मॉल एरिया वी टेक अ स्मॉल एरिया के वी टेक अ अनेटिसमल स्मॉल एरिया राइट वी टेक अ अनेटिमल स्मॉल एरिया एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर एट एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर यस देखो यहां पर देखो यहां पर एटेंस आर फ्रॉम द सेंटर और इसका जो थिकनेस होता है वो होता है डी आर इसका जो थिकनेस होता है डी आर रेडियस इज आर अब इस सरफेस पर हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा फोर्स क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा एट दिस सरफेस द फोर्स इज कॉन्स्टेंट येस और नो एट दिस सरफेस द फोर्स इज कॉन्स्टेंट ठीक है तो डीएफ फोर्स डी फोर्स ऑन एलिमेंटल स्ट्रिप ऑन एलिमेंटल स्ट्रिप कितना होगा मेरे दोस्त एस इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल वो तो सॉइल की प्रॉपर्टी है एस इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एस इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल मैंने आपको सिंपल बोला देखो आपका शियर स्ट्रेंथ हर जगह सेम है लेकिन मेरे दोस्त जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो एरिया आपका क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है एरिया बढ़ते जा रहा है फोर्स बढ़ता जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा तो आपका टॉर्क भी बढ़ता जाएगा तो हमको क्या करना है हमको एक स्मॉल एरिया लेना है है ठीक उसमें मानना है कि फोर्स कॉन्स्टेंट है उसके लिए टॉर्क निकालना है और फिर पूरे के लिए क्या कर देना है इंटीग्रेट कर देना यही तो करते हैं हम लोग यस ये तो व्हाट इज द डी फोर्स ऑन द एलिमेंटल एरिया इनटू वेरी गुड टू पाई आर डीए पाई आर डी आर सो वट इज दजिस्टर्ड रजिस्टर्ड बाई एलिमेंटल स्ट्रिप बाई एलिमेंटल स्ट्रिप टॉर्क रजिस्टर्ड कितना होगा टॉर्क रजिस्टर्ड कितना होगा नथिंग बट डीएफ इंटू आर डीएफ इंटू आर तो डीएफ इंटू आर क्या हो गया डीएफ इंटू आर क्या हो गया एस इंटू टू पाई आर डी आर मल्टीप्लाई विथ आर यस और नो एस इंटू टू पाई आर डी आर इंटू आर अब मेरे दोस्त ये एलिमेंटल के लिए, फॉर एंटायर फॉर एंटायर क्रॉस सेक्शन फॉर एंटायर क्रॉस सेक्शन क्या लिखेंगे आई विल इंटीग्रेट इट फॉर द एंटायर रेडियस सो डी टी इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी विल बी इक्वल टू वॉट इंटीग्रल एस इंटू टू बाई आर स्क्वायर डी आर राइट लिमिट कहां से कहां तक है जीरो टू डी बाई टू एनी डाउट इन दिस एनी डाउट इन दिस एनी डाउट इन दिस अब देखो मेरे दोस्त यह हो गया टी दैट इज फ्रॉम द साइड टॉप एंड बॉटम तो इसको हम लेटेस्ट से, लेट आ से आ टी, बी या इसको टी टू कर देते हैं इसको हम टी टू कर दे रहे हैं तो ठीक है तो टी टू क्या लिखोगे टी टू क्या देखो S 2 by, आपका आर स्क्वायर था आर स्क्वायर एस इंटू टू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई थ्री आर क्यू बाई थ्री मतलब ये क्या हो जाएगा डी क्यूब बाई एट डी क्यूब बाई एट होगा क्या होगा क्या बोलो तो इट विल बी डी क्यूब बाय एट होगा क्या राइट और मेरे दोस्त यहां पे ऑलरेडी आपका क्या है वन बाय थ्री पहले से वन बाय थ्री पहले से टेल मी यस और नो यहां पे पहले से आपका वन बाय थ्री पहले से बोलो मेरे दोस्त यहां तक कोई डाउट किसी को तो ये आपका हो गया एस इन पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय फोर थ्री जा पाई डी क्यूब बाई ट्वेल्व एनी डाउट इन दिस एनी डाउट इन दिस एनी डाउट इन दिस तो टॉर्क फ्रॉम साइड और बॉटम ये फॉर्मूला टॉर्क दैट इज फॉर टॉर्क फ्रॉम टॉप एंड बॉटम वो फॉर्मूला टॉर्क फ्रॉम साइड ये फॉर्मूला क्लियर है मेरे दोस्त अब अगर हम बात करते हैं टू वे शेयर का इफ वी टॉक फॉर टू वे शेयर तो टू वे शेयर में क्या हो जाएगा समझोगे टोटल तो टॉर्क रेजिस्टेड विल बी टी वन प्लस टू टाइम्स टी टू यस और नो टी वन प्लस टू टाइम्स भैया रेजिस्टेंस टॉप से भी आएगा बॉटम से भी आएगा इसलिए टू टाइम्स किए और साइड से तो आपने पूरा मेजर ही किया है तो T1 क्या है मेरे दोस्त S देखो यहां पे फॉर्मूला S इन पाइ डी टू पाइडी स्क्वायर एच बाई टू पाई पाईडी स्क्वायर एच बाई टू प्लस टू टाइम्स ऑफ टी टू क्या है पाईडी क्यू बाई ट्वेल्व पाई डी क्यू बाई ट्वेल्व तो टू काट देगा ट्वेल्व को सिक्स बार में है ना तो ये फॉर्मूला क्या हो गया एस इन टू पाई डी स्क्वायर एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स इसी तरीके से स्टैंडर्ड लिखा जाता है वही लिख रहे सो वट इज दियर स्ट्रेंथ ऑफ द स्वल वट इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द स्वल नथिंग बट टी अपॉन पाईडी स्क्वायर एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स बेटा यही फॉर्मुला हम लोग याद रखते हैं यही फॉर्मूला आप लोगों ने पहले कभी याद किया होगा कॉलेज में कहीं तो याद किया होगा यस और नो बोलो मेरे दोस्त यही तो कोई फॉर्मूला आपने याद किया होगा कभी यही फॉर्मूला आपने कभी याद किया होगा कॉलेज में यस और नो सो टू वे शेयर अगला है मेरे दोस्त वन वे शेयर वन वे शेयर डिफरेंस क्या होगा वन वे शेयर में टी विल बी वॉट टी वन प्लस टी टू टाइम्स सिर्फ एक बार होगा T1 वन प्लस टी होगा होगा क्या इट विल बी ओनली T1 वन प्लस टी टू इट नॉट बी टू टाइम्स ऑफ T2 टू क्लियर ए पॉइंट क्लियर ए पॉइंट जल्दी से बताएंगे टी yes? वन तो प्लस टी टू करो यहां पर क्या हो गया एस इंटू पाई डी स्क्वायर एच बाई टू प्लस पाई डी क्यूब बाई ट्वेल्व पाई डी क्यूब बाई ट्वेल्व दो बार नहीं है यहां पे. मल्टीप्लाई विथ S. यहां पे S मल्टीप्लाईड बेटा यहां से एस कॉमन ले लो पाईडी स्क्वायर कॉमन ले लो अंदर क्या बच गया एच बाई टू प्लस डी बाई ट यहां से मेरे दोस्त शियर स्ट्रेंथ ऑफ द soil विल बी टी divided बाई पाई डी स्क्वायर एच बाई टू प्लस डी बाई ट्वेल्व इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू अभी वेन शेयर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि क्षेत्र सर की क्लास शुरू होने वाली है

बेटा यूट्यूब पे ऑलरेडी सिद्ध सर ले रहे हैं राइट तो आप उनको फॉलो करो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर राइट डू फॉलो हिम है ना मेरा लगा हुआ है प्लस पे सर्विंग टू कल से शुरू हो रहा है राइट ऑन द प्लस ओके सो एस आपका ये दिया हुआ है क्लियर है बात तो मेरे दोस्त कल हम और भी चीज बताएंगे कि यहां से हम लोग अनडिस्टर्ब और डिस्टर्ब सॉयल को कैसे हम यहां पे निकाल सकते हैं

माइ डियर फ्रेंड ट्राई टू बी इन दॉप टेन हंड्रेड और थाउजेंड ताकि अच्छा गाइडेंस आपको मिल सके अच्छी तैयारी हो सके ताकि आप अच्छी जगह कहीं जा सको फ्यूचर में है ना एंड वी वॉन्ट टू कमंड माई गाइडेंस टू यूज दैट माई डियर फ्रेंड इफ यू आर गोइंग फॉर द प्लस इन द्वेल्व मंथन ट्वेंटी फोर मंथस राइट डोट फॉर टू यूज द कोड भारे कमंड माई गाइडेंस क्योंकि मेरे दोस्त, लेना, लगाना ये लगाना आप नहीं भूल सकते राइट एंड माई डियर फ्रेंड

राइट सेम टाइम सेम टाइम आ रहे भैया रुक जाओ कल का टाइम कितना बजे पांच पैतालीस फाइव फोर्टी फाइव डोंट मिस इट कल का टाइम फाइव फोर्टी फाइव है सर पंद्रह मिनट बाद क्यों शुरू है फाइव फोर्टी फाइव में पहले बोल के जा रहा हूँ ठीक है एंड डू इट इन ऑल द ग्रुप की कल का टाइम फाइव फोर्टी फाइव है फाइव थर्टी नहीं है ठीक है चलो ओके बाय बाय Take care. Good night. Okay, wait. I will the course and Bye. The Gaten ESE Civil Engineering exam may be tough. The syllabus may be vast. But with the right guidance, strategies, in depth topic wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack Civil Engineering for Gaten ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started.